हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट एमएलसी हलके के लिए टीआरएस उम्मीदवार सुरभि वानी देवी ने कामयाबी हासिल कर ली है। इस हलके में टीआरएस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला देखा जा रहा था, ताहम आखिर में वानी देवी ने कामयाबी हासिल की। 36,580 वोटों की अक्सरियत से वानी देवी ने बीजेपी उम्मीदवार रामचंद्र राव को शिकस्त दी। इस तरह टीआरएस ने यह नशिस्त बीजेपी से छीन ली। टीआरएस हलके में हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट एमएलसी हलके के लिए टीआरएस उम्मीदवार सुरभि वानी देवी की भारी अक्सरियत से कामयाबी का जश्न जारी है। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके में साबिक कॉरपोरेटर मित्रा कृष्णा और इंचार्ज जीवन सिंह की क़ियादत में आतिशबाजी करते हुए टीआरएस कारकुनान ने जश्न मनाया। ज़िले संगरेड्डी के शहर जहीराबाद में टीआरएस के कारकुनान ने एमएलसी सुरभि वानी देवी की कामयाबी का जश्न मनाते हुए बाइक रैली निकाली और मेन चौराहे पर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे में मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर टीआरएस के कायदीन नामा रवि किरण, मोहम्मद याकूब, इसराइल बाबी, मोहम्मद मुर्तज़ा के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना भवन में आज आग लगने का हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना भवन में टीआरएस कारकुनान हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर ग्रेजुएट एमएलसी हलके के लिए टीआरएस उम्मीदवार सुरभि वानी देवी की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर जश्न मना रहे थे। आतिशबाजी के दौरान यह हादसा पेश आया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई जख्मी नहीं हुआ।